हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, और उसमें हम आज पढ़ेंगे हिमालयन रेंजेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। और चलो ये शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय हमारे पास बेसिक हिमालय है। ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक, ये बेसिक हिमालय है, और ये ट्रांस हिमालय। देखिए जो ये हिमालय की रेंजेस है ना यार, जैसे ट्रांस हिमालय इस तरह से, मतलब कुछ इसके स्लोप बनेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाइट में ये ट्रांस हिमालय होगा, और ग्रेटर हिमालय थोड़ा उससे। अभी देखो यहाँ पे ना, ग्रेटर हिमालय की कुछ चोटियाँ ऐसी है कि जो ट्रांस हिमालय से भी ऊंची है, ठीक है। जैसे हो गई हमारी माउंट एवरेस्ट वगैरह, वो हम अभी डिटेल्ड में करेंगे। उसके बाद जो मिडल हिमालय है उसकी रेंज थोड़ी कम होती है, और जो शिवालिक है वो बहुत ही कम रेंज की होती है, ठीक है। उनकी हाइट काफ़ी कम होती है शिवालिक की। और उसके बाद फिर दून वैली आ जाती है, जैसे देहरादून वगैरह, क्यारदादून हिमाचल में है जो, ठीक है, ये सब दून वैली में आती है, ठीक है। इसका भी बताते हैं दून वैली एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। और जो नालागढ़ वाला एरिया है हिमाचल में, चंडीगढ़ दून वैली है वो, ठीक है। और दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली शिवालिक पे है, ठीक है। कभी भी आप रायसीना हिल्स में जाओगे, कभी भी प्रेसिडेंट हाउस में खड़े होंगे आप, या घूमने जाओगे, तो आप हमेशा याद रखिए कि आप शिवालिक पे है खड़े, ठीक है। तो शिवालिक दिल्ली NCR में, और मसूरी हिल्स वगैरह मिडल हिमालय में आ जाती है, ठीक है, मसूरी हिल्स वगैरह, और जो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब, ठीक है। चलो अभी इसको अच्छे से हम डिटेल्ड में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में करते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ये आप ध्यान रखिए, चार चोटियाँ होगी ट्रांस हिमालय की, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक मैं करती हूँ, LKG में 0 नंबर लाया, ठीक है। सबसे पहले है लद्दाख रेंज, ठीक है। उसके बाद है कराकोरम रेंज, उसके बाद है जी से ग्रेटर कैलाश करके मैंने याद रखा है, ठीक है, कैलाश रेंज, और 0 मतलब जास्कर रेंज, ठीक है, ये आप याद रखना। तो जो ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय की जो चार रेंजेस है वो ये है, लद्दाख, कराकोरम, कैलाश और जास्कर रेंज, ठीक है। और जो लद्दाख वाला एरिया है ना, जो भी ड्राई टेम्परेट एरिया है हिमाचल का, ये सब इसमें पड़ता है हमारा, ट्रांस हिमालय में। अब आप सोचेंगे कि ट्रांस हिमालय को हमने बेसिक हिमालय के अंडर क्यों नहीं रखा, जो बेसिक हिमालय की चोटियाँ थी, ग्रेटर हिमालय था, मिडल हिमालय था और शिवालिक था, ठीक है, उसके अंडर क्यों नहीं रखा। तो देखो, जो ओरिजिन ऑफ अर्थ जब हुआ, ठीक है, जब ओरिजिन हुआ था हमारा, जो ये प्लेट्स थी, पेंजिया था सबसे पहले लैंड मास, पेंजिया, ठीक है, और ये ए वाटर मास जो था, वाटर वाला एरिया था, उसको टेंथिस सी बोलते थे, ठीक है। तो ये जो प्लेट है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये ऊपर को इसकी मूवमेंट होने लगी अपवर्ड, ठीक है। और ये जब इस तरह से मूवमेंट किया, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा जास्कर रेंज को छोड़कर जितना भी हिमालय रेंज के बाद ये जो रीजन था, ये सब इसकी मूवमेंट से हुआ है ओरिजिन, ये सारा, ठीक है, पूरा इंडिया। तो जो ट्रांस हिमालय है वो अपर वाली प्लेट से बना है, और जो बाकी का जो हिमालय है वो लोअर लैंडमास से बना है, ठीक है। आप खुद सोचिए, जब भी मतलब कोई लैंडमास मूव करेगा, अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ जो सी में जितना भी सेडिमेंट्स वगैरह होंगे, वो डिपॉजिट होके वो अपवर्ड को आते रहेंगे, और उससे क्या होगा, धीरे 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 क्या हो गया,
उससे हिमालय का ओरिजिन हुआ। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे ना, तो हिमालय भी इस डायरेक्शन में बना हुआ है हिमालय, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये हिमालय है ना, अभी भी हिमालय एक एग्जाम्पल है यंग फोल्ड माउंटेन का। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब जो ये मूवमेंट है ना, ये अभी भी कंटिन्यूस है। तो अभी भी जितनी भी चोटियां हैं हिमालयाज में, उनकी जो हाइट है ना, वो बढ़ती जा रही है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, एक टाइम होता था जब मैं पढ़ती थी, मैं 8848 मीटर इसकी हाइट पढ़ती थी, और आजकल मैं बुक्स में देख रही हूँ 8850 मीटर तक हमारी माउंट एवरेस्ट की हाइट हो गई है। तो मतलब ये हाइट कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है। और राजस्थान में यहाँ पे एक आती है बहुत ही बेसिक हिल है, अरावली हिल, 570 मिलियन ईयर्स पहले की है ये, ठीक है। तो ये इतनी पुरानी होगी है ना कि इसकी जो ग्रोथ है, ज़ीरो ग्रोथ है इसकी, ठीक है। तो ये वाली जो है, इसको ये ओल्ड माउंटेन है, ठीक है, और ये यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, अभी न्यू है, फोल्डिंग से बना हुआ है, क्योंकि जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अपवर्ड मूवमेंट की ना, तो क्या हो गया, वो मतलब फोल्डिंग हो गई, मतलब जो सेडिमेंट्स थे सी में, वो ऊपर ऊपर आते रहे, एक फोल्ड सा बनता गया, और अभी भी कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि मैम ने ट्रांस हिमालय को अलग से कहा, और जो ये बेसिक हिमालय है उसको अलग से, बेसिक हिमालय में सिर्फ ये ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक क्यों लिया, ठीक है, तो ये रीज़न था। तो नेक्स्ट हम करते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। हिमाद्री का मतलब होता है हिम का मतलब बर्फ, और आद्री का मतलब ढकी हुई, मतलब बर्फ से ढकी हुई। तो जो ये ग्रेटर हिमालय है ना, ये बर्फ से ढका रहता है मोस्टली, ठीक है। तो ये कैसे कैसे आता है, इसकी रेंज आप ये देखो, ये इस तरह आएगा, और यहाँ पे नेपाल में एंटर करेगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो ये है ना, ये एरिया सिक्किम, ये ठीक है, सिक्किम के एंड तक ये रहता है। इसको मैं ब्लू पेन से करती हूँ, ठीक है, ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले ये याद रखो, ठीक है, और उसके बाद एक ये चोटी यहाँ पे याद रखो, आप एक ये चोटी याद रखो, ठीक है, सबसे ऊंची है, ठीक है। तो सबसे पहले ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है, अगर पूछेंगे कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट उसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और अगर इंडिया की पूछेंगे तो ये होगा कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। और एक ये याद रखो आप ग्रेटर हिमालय में, मकालू रेंज, ठीक है, मकालू रेंज फिफ्थ हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ठीक है। अब देखो यार, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउट मैंने देखा है कि जो इंडिया की हाईएस्ट जो पीक है ना, उसको कई बार K2 बोल देते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, मैम जो ये K2 और कंचनजंगा है, ये सेम है, डिफरेंट है? तो देखो, कंचनजंगा ना, जो K2 है ना, वो इधर कहीं है, मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वहाँ पर है K2। तो इसको ऑफिशियली हम नहीं कंसिडर करेंगे इंडिया की, हालांकि उसकी जो हाइट है ना, वो कंचनजंगा से भी ज़्यादा ऊंची है, ठीक है, बट फिर भी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक जो है कंचनजंगा ही होगी, तो ये ग्रेटर हिमालय का ये है, ठीक है। और एक यहाँ पे ना, यहाँ नंगा पर्वत, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जो ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार है, वो इंडिया में कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको पता है ये शुरू J&K में उधर से शुरू होता है, और एंड कहाँ होगा हमारा? सिक्किम के थोड़ा बाद तक, ठीक है, सिक्किम तक मतलब इसका ख़त्म हो जाता है सिस्टम, ठीक है, ग्रेटर हिमालय का जो एक्सटेंड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे मिडल हिमालय, ठीक है,
मिडल हिमालय को मैं ब्लैक पेन से कर लेती हूँ, ठीक है। अब जो मिडल हिमालय है ना, ये देखो, बिल्कुल जो ग्रेटर हिमालय है ना उसके ऐसे, ये देखो, यहाँ पे नेपाल में भी रहेगा इसका कुछ पोर्शन मेनली, और इंडिया में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे ये यहीं तक ये भी ख़त्म हो जाएगा इसका एक्सटेंड, यहाँ सिक्किम तक, ठीक है। तो जो मिडल हिमालय है ना, मिडल हिमालय का जो आप बेसिकली ना, इसमें जो हिमाचल में जब मिडल हिमालय एक रीजन आता है बड़ा बंगाल, ठीक है, बड़ा बंगाल से इसकी दो डिवीज़न हो जाता है। एक जो जे एंड के की तरफ जाता है उसको बोलते हैं पीर पंजाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीर पंजाल मिडल हिमालय में आता है, तो इधर कहीं जे एंड के में पीर पंजाल रेंज होगी, ठीक है, पीर पंजाल रेंज, ठीक है। और इधर ही कहीं हिमाचल में ऐसे को थोड़ा इस तरह को, ठीक है, आगे को तो ऐसे इस तरह से कुछ होगा, ये धौलाधार रेंज हो जाएगी हिमाचल में, ठीक है। जब आप कभी पालमपुर घूमने जाते हो तो आप देखते हो ना ब्यूटीफुल सी बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम तो बर्फ़ से नहीं ढकी होती है, जब भी मतलब ऐसा मतलब सर्दियों का टाइम होता है तो बर्फ़ से ढक जाती है, वो जो पहाड़ियाँ हैं ना वो धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और जे एंड के में यही पहाड़ियाँ आ गई, पीर पंजाल की रेंज है, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय ये हो गया हमारा, ठीक है। इसमें अब एक बात आप ना, मतलब जैसे ये मसूरी हिल वगैरह है ना, मसूरी हिल्स वाला रीजन है, ये ग्रेटर हिमालय में आएगा सब। फिर नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे शिवालिक, उसके बाद शिवालिक करेंगे हम स्टडी, ठीक है। शिवालिक में देखो, इसको मैं से एक छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में इसको दर्शाती हूँ मैं येलो पेन से, ठीक है। ये यहाँ पे दिल्ली वाला एरिया, ठीक है, इस तरह से, और ये यहाँ से आगे जाएगा, इधर आगे भी जाएगी ये पहाड़ियाँ, भूटान के साथ कंफ्यूज हो गई थी मैं, ठीक है, ये भूटान है यार, ऐसे जाएगी आगे, ये तिब्बत की तरफ आगे को एक्सटेंड करेगी, प्लस एक ब्रांच इसकी इस तरह से आ जाएगी, नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन, ठीक है, कवर कर देगी ये शिवालिक, ठीक है। तो अब देखो, जो दिल्ली एनसीआर है ना वो शिवालिक में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप रायसीना हिल वाला एरिया होता है, राष्ट्रपति भवन में रहते हो, तो आप दिल्ली में कहीं पे भी हो ना, याद रखो आप शिवालिक में है, शिवालिक हिल्स पे हो, ठीक है। उसके बाद जो शिवालिक है ये हिमाचल में भी, जो ये लोअर हिमाचल है ना, बहुत ही ज़्यादा मैसी हो चुका है ये ना, ये शिवालिक वाला एरिया है सारा, जो सिरमौर वाला एरिया हो जाता है सब, हमीरपुर बिलासपुर, जो जितनी भी छोटी छोटी हिल्स होती है ना वो शिवालिक में आती है, ठीक है। मतलब एक ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि प्लेन एरिया लग रहा है, बट दूर कहीं हमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखती है, ठीक है। तो वो हमारा शिवालिक हिल्स में आ जाता है, ठीक है। और जो ये शिवालिक हिल्स है ना, जो तो ग्रेटर हिमालय वगैरह है वहाँ तो बर्फ़ से ढकी रहती है पहाड़ियाँ, तो वो ना हमारे लिए सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। जो ये शिवालिक हिल है ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, ठीक है। और शिवालिक हिल्स जब ये आगे जाती है, अगर क्वेश्चन आएगा ना कि जो ग्रेटर हिमालय है उसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट कहाँ तक है, तो यहाँ पे तिब्बत में एक चोटी आती है, उसका नाम है नमचा बरवा, नमचा बरवा, ठीक है, यही शिवालिक का ही पार्ट है ये, ठीक है, नमचा बरवा, तो यहाँ पे एंड होता है ये। और अगर आपको पूछ लिया जाए इंडिया में, तो अरुणाचल प्रदेश में एक रेंज आती है जिसका नाम है पटकाई बूम, ठीक है, पटकाई बूम, ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है, ठीक है। तो देख लो आप, इस तरह से ये हिमालय का पूरा था डिटेल्ड में। और अब डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस, जैसे ये हिमालय है ना,
इसमें भी अब ऐसा है कि इधर देखो जितनी ये गारो खासी जयंती हो गई, ये सारी हिल्स शिवालिक के अंडर है। देखो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में शिवालिक है, ठीक है। उसके बाद नागा हिल्स हो गई, फिर इधर को मिजो हिल्स हो गई, ये सब इसमें ही आता है हमारे, ठीक है। तो शिवालिक जैसे इधर है मिशिमी, मिशिमी हिल इधर आती है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशिमी हिल, पटकाई भूम मैंने आपको बता दिया है, उस पर गारो खासी जयंती, ये सब हमारी इसमें आती है, शिवालिक में आती है, ठीक है। और बाकी आपने ये माउंट एवरेस्ट देख लिया है किस में आता है, कंचनजंगा देख लिया है, मकालू रेंज देख दिया कि ग्रेटर हिमालय में आता है, ठीक है। मिडल हिमालय में आपने देख लिया, धौलाधार, पीर पंजाल, ये सब मिडल हिमालय में आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स और है, ठीक है, जो कि अब हिमालय की रेंज में तो नहीं है। जैसे मैंने आपको अरावली बताया था, ठीक है, राजस्थान में ये अरावली हिल्स है, ठीक है, अरावली हिल है, ठीक है। उसके बाद इधर अगर आप मतलब इधर एमपी की साइड आते हैं, इधर इधर, ठीक है, इधर आपकी विंध्या, देखो विंध्या रेंज आ जाती है, फिर उसके बाद सतपुरा रेंज आ जाती है, विंध्या सतपुरा रेंज आ जाती है, ठीक है। ये दोनों भी काफ़ी पुरानी है, ठीक है, जैसे ये यंग फोल्ड है वैसे नहीं है, बट अरावली तो मतलब ओल्डेस्ट ही है, इन दोनों से भी ओल्ड है अरावली, ठीक है। उसके बाद इधर साथ में महादेव हिल्स आ जाती है, फिर जब आप थोड़ा इधर साउथ में जाते हैं, इधर कार्डेमम हिल्स है, ठीक है। ये मतलब इसका ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं आता है, ये बस आपको याद रहना चाहिए कौन सी हिल किधर को पड़ती है, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे कि जैसे ये होगी इधर साउथ में तो नीलगिरी हिल्स हो गई, ठीक है, नीलगिरी हिल्स हो गई साउथ में। फिर उसके बाद सतपुड़ा तो मैंने आपको बता दिया है, सतपुड़ा रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरावली रेंज, अरावली रेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिजोरम में इधर कहीं जो मिजो हिल है ना, जो मैं आपको बता रही थी, वहाँ पे ब्लू माउंटेन है, ठीक है, उसी का ही पार्ट है, ब्लू माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद केटू का तो मैंने आपको बता दिया है कि उसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, केटू जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है उसको केटू बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये टाइगर हिल है इसमें, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उत्तराखंड ये है, ठीक है, नंदा देवी इसमें है, ठीक है। चलो इसको मैं आपको एक बार अच्छे से बताती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट हिल्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हिमालयस के सारे टाइप, किस तरह से हिमालयस, डिटेल्ड में भी बहुत कुछ है इसमें, बट डिटेल जितना डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, बेसिक आइडिया हो जाए ना। देखो यार हमेशा जब भी आप पढ़ते हो ना, मतलब इस तरह मत पढ़ो, ज़्यादा डीप मत, किसी में पीएचडी मत करो, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम एक जनरल एग्ज़ाम है, पहले एक लेवल पे आओ। जो प्रेपरेशन होती है ना डिफरेंट स्टेज में होती है, सबसे पहले आपको सिर्फ चीज़ें समझनी है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज आती है जब आप ये समझने की कोशिश करते हैं क्यों, ठीक है, वाई, ठीक है। सबसे पहले है कब, कहाँ, इस तरह कर लो। सेकंड स्टेज में आप थोड़ा, जब आपको बेसिक आइडिया हो जाता है, फिर आप आते हो थोड़ा एडवांस लर्निंग में, वाई, हाउ, रीज़न, इन सब में आप घुसते हो। फिर थर्ड स्टेज जब आती है, फिर आप व्हाट इफ़ इस तरह की एनालिसिस में आते हैं, ठीक है, प्रोज में जाते हो, कॉन्सिक्वेंसेस में जाते हो, ठीक है। और जो फोर्थ स्टेज होती है, जब ये सब आप समझने लग जाते हो, तब आंसर राइटिंग होती है, ठीक है। ऐसे नहीं आप डायरेक्टली ही जंप कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, बेसिक से शुरू करो, ठीक है। और
आपको स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं बस रातों रात ही मतलब पूरा PhD कर दूं, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। उससे आपके माइंड में ना स्ट्रेस भी बिल्ड होगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। और अगर आप ऐसे स्टेप वाइज पढ़ोगे, जब आप पढ़ते भी हो ना, कोई भी बुक उठा दो, एक स्टैंडर्ड बुक रखो, 10-10 रिसोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक रखो, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक जो है ना मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि अब एनालिटिक पेपर होते हैं तो आपको न्यूज़ के साथ अटैच्ड रहना चाहिए। आप अगर सिलेबस ही ख़त्म करते रह जाओगे तो वो भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो जितना भी आप तैयारी को इजी रखोगे ना, तो वो उतना अच्छा होगा। तो ठीक है, तो देख लो। सबसे पहले आपको पता है आपने ट्रांस हिमालय के बारे में चार चोटियाँ पढ़ी थी, LKG में 0 नंबर आए, LKG ग्रेटर कैलाश, ठीक है, कराकोरम लद्दाख रेंज, ठीक है, 0 नंबर आए, जास्कर रेंज हो गया, ठीक है, जास्कर रेंज हो गया। उसके बाद सेकंड आई थी हमारी ग्रेटर हिमालय की जो रेंज आती है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय की रेंज में आपको पता है। आप भी अच्छे से अपने साथ कॉपी पेन लेके थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब सुना और फिर रहने दिया, साथ में आप इसको करिए, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय की रेंज अगर आप साथ में साथ नोट करते जाओगे ना, जैसे ये रख लिया, ठीक है, इंडिया में ये उत्तराखंड तक गया, फिर नेपाल में घुस गया ये, और यहाँ पे सिक्किम से पहले ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद मिडल हिमालय आया, ठीक है, मिडल हिमालय ये हो गया, इसके नीचे ये, ठीक है, इसका ये कुछ पोर्शन यहाँ पे इंडिया में भी चले गया था ये, और कुछ नेपाल में था, ठीक है, और ये यहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद शिवालिक आया। अब शिवालिक तो आपको पता है, जब नाम ही शिव का है तो इतनी जल्दी तो ख़त्म होना नहीं, इसने दिल्ली को भी जा रहा है ये, उसके बाद आगे यहाँ से क्रॉस आगे ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न ये सब इस तरह से, ठीक है, गारो, खासी, जयंती, मिजो, ब्लू माउंटेन, ये सब शिवालिक हिल्स में आता है। दिल्ली में आप शिवालिक हिल में हो। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दून वैली, ठीक है, ये आप ना इसको बहुत ही अच्छे से समझना। दून वैली ना वैसे होती क्या है, ये वैली बनती है दो लॉन्गिट्यूडनल जो माउंटेन है उनके बीच। अब देखो इसको, जैसे ना ये एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, इसके जो पैरेलल, ठीक है, इसके जो बिल्कुल पैरेलल है ना, ये दूसरी माउंटेन रेंज है, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, और थोड़ी इसी लोअर भी इसकी हाइट होगी। इसके जो बीच में ना, इमेजिन करो एक पहाड़ी आपके सामने, दो पैरेलल पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये मान के चलो एक आपके सामने पहाड़ी है, एक आपके पीछे पहाड़ी है, ठीक है, उसके बीच में वैली है, समझ गए, एक लंबी पहाड़ियां हैं, डिफरेंट मतलब 7-8 रेंज है उस पहाड़ी में, ठीक है, और आपके बैक में भी वही 7-8 रेंज की वही पहाड़ी जा रही है, ठीक है, 7-8 चोटियाँ हैं जिसमें, उसके बीच में आप खड़े हो, ठीक है, नालागढ़ में खड़े हम, चंडीगढ़ में खड़े हैं, बड़े खुश हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप दून वैली में खड़े हो, ठीक है, जैसे ये है, इसके जो बीच की वैली है ना ये, इस तरह से ये जो वैली एरिया है ये दून वैली होता है, दून बोलते हैं इसको, ठीक है, जो देहरादून है ना वो दून वैली है, ठीक है, दून वैली, दून वैली जो है ना वो किसके बीच बनती है, हमेशा ये बनती है मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच, ठीक है, ये शिवालिक की रेंज आ रही है और ये मिडल हिमालय की रेंज आ रही है, ठीक है। अब उसके बीच का जो एरिया है ना, अब जैसे बारिश होगी तो पानी ऊपर से आएगा, इस तरह से आएगा तो अपने साथ वो लाएगा, तो एक वैली बन जाती है, ठीक है, उसकी स्लोप थोड़ा तिरछी होती है, तो उस वैली में जब लोग बसने लग जाते हैं ना, उसको दून वैली बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इसके साथ ही आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे सुना है, ठीक है, आपने समझने की कोशिश की होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में रिवर सिस्टम के साथ। थैंक यू सो मच।